हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल। गाइस, वेक्टर में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स उस पर क्वेश्चंस किया था, और फिर उसके बाद मैं बोला था कि मैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में पढ़ाऊंगा। तो आज मैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, और आज मैं कोशिश करूँगा कि स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा दूँ, और उस पर जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकता है आज की क्लास में, बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस और मेथड्स मैं बता दूँ। फिर नेक्स्ट डे में इस पर कुछ क्वेश्चंस और वेक्टर प्रोडक्ट पे मैं बात करूँगा। तो चलो कोशिश करते हैं, जहाँ तक आज हो जाए मैं बातें करता हूँ, है ना। आ जाओ, ठीक है जी। अभी तक देखो हम लोग बेसिकली दो चीज़ें पढ़े हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर क्या होता है, उसका एडिशन कैसे होता है, उसका सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। उसके बाद मैं बोला था जैसे कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को, दो नंबर्स को ऐड करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, है ना। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे भी सेम चीज़ था। वेक्टर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, ऐड प्रोडक्ट, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ लिख सकते हो आप लोग, हेडिंग डाल सकते हो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, और यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। आ जाओ जी, हम लोग जैसे अरिथमेटिक में दो नंबर्स को प्रोडक्ट करते थे, ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग बेसिकली क्या है, हम लोग दो वेक्टर को प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, दो वेक्टर को प्रोडक्ट करेंगे। लो एक वेक्टर मैं मान लेता हूँ वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर है मान लो वेक्टर बी। ये दो वेक्टर है, हम लोग को इसको प्रोडक्ट करना है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो तरह का प्रोडक्ट पढ़ते हैं, जैसे अरिथमेटिक में था ना कि हम लोग कहते थे 2 × 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 × 2.3। इसका भी मल्टी, इसको अगर एक तरीके ऐसे पढ़ते थे 2.3, ये डेसिमल पार्ट। बट अगर हम लोग इस तरीके से डेसिमल नहीं करते थे, एक ऐसे ही लिखते थे, तो ये डेसिमल होता था। तो अगर लेकिन हम लोग को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग 2 × 3 हर समेशन या ऐसे भी लिख देते थे मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, मल्टीप्लाई यहाँ पे दो तरीके से हम लोग भी करते हैं, यहाँ पे वेक्टर पे भी मल्टीप्लाई हम लोग दो तरीके से करते हैं। दो वेक्टर मान लो, दो वेक्टर के बीच में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं। लो एक वेक्टर ये है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी विथ डॉट, और दूसरा है वेक्टर ए मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर बी विथ क्रॉस। एक यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे एक क्रॉस है। देखो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, दोनों में भी मल्टीप्लीकेशन की ही बात कर रहे हैं, बट डिफरेंस क्या ला रहा है सो समझना हम लोग को। एक में डॉट का साइन लिख रहे हैं, एक में क्रॉस का साइन लिख रहे हैं। जिसमें डॉट का साइन लिख रहे हैं उसको लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। जिस वेक्टर के बीच में दो वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हैं बट उसमें विथ डॉट है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और क्योंकि इसमें क्रॉस है इसलिए बोलते हैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। इसमें डॉट था इसलिए बोलते थे इसको डॉट प्रोडक्ट, इसमें क्रॉस था इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। चलो इसका एक और नाम है उस पर बात करते हैं। अब बताओ ये वेक्टर को डॉट किए, इस वेक्टर को क्रॉस किए। अब याद है आपको कि जब दो वेक्टर को ऐड करते थे तो रिजल्टेंट भी क्या आता था, एक वेक्टर ही आता था। यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किए, मीन्स व्हाट, ए डॉट वेक्टर बी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्वांटिटी क्या आने वाला है, एक फिजिकल क्वांटिटी आने वाला है, एंड दैट क्वांटिटी विल व्हाट रिप्रेजेंट, वो क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो मुझे देखना है। ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए डॉट बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो मुझे समझना है। तो ए डॉट बी जो है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आता है, ए डॉट बी जो है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है, व्हाट यू से रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट आता है दैट इज आर, वो एक्चुअली आता है जो डॉट करने के बाद
जो ए डॉट बी करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है डेट इज अ स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास रिजल्टेंट कुछ जो मिलता है वो क्या आता है, अ स्केलर। डेट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट। देखो बहुत सारे लोग हैं जो इसको याद करते हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर दो वेक्टर के बीच में डॉट है डेट इज डॉट प्रोडक्ट, और अगर उसको प्रोडक्ट करने के बाद मेरे को क्या आता है, अ स्केलर क्वांटिटी आता है, डेट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। इसलिए डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज अ स्केलर प्रोडक्ट, बिकॉज डॉट करने के बाद जो मेरे पास रिजल्टेंट आ रहा है कुछ जो क्वांटिटी रिजल्टेंट आ रहा है डेट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मीन्स उसके पास क्या होने वाला है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होने वाला है। अब यहाँ पे बात करी जाए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इसका जो रिजल्टेंट आने वाला है, इसका जो रिजल्टेंट आने वाला है डेट इज ए वेक्टर, मीन्स ए क्रॉस बी करने के बाद जो कुछ आने वाला है, ए क्रॉस बी करने के बाद जो कुछ आने वाला है डेट इज कमिंग टू बी ए वेक्टर, सो इट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। ओके समझ में आया, ए डॉट बी किए डॉट प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी किए क्रॉस प्रोडक्ट, ए डॉट बी करने के बाद जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आया डेट इज स्केलर प्रोडक्ट, और ए क्रॉस बी करने के बाद जो क्वांटिटी आया डेट इज वेक्टर प्रोडक्ट। ओके तो ये चीज़ समझ में आपको आ गया है ना। हाँ जी, तो डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट समझ में आया, डेट इज स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट आपको समझ में आया। डॉट प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, जिस दो वेक्टर के बीच में जिसमें डॉट होगा उसको डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस होगा उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे, दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे, जिसका रिजल्टेंट डॉट प्रोडक्ट जो उसका है उसका रिजल्टेंट जो आता है स्केलर क्वांटिटी आता है डेट इज बाई वो स्केलर प्रोडक्ट हो गया, ए क्रॉस बी के उसका जो रिजल्टेंट आता है डेट इज ए वेक्टर, सो ये वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। अंडरस्टूड। चलो अब जो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, किसी एक प्रोडक्ट को पहले लेते हैं फिर उस पर काम करते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन आफ्टर डैट आई विल गो विद अनदर वेक्टर अनदर प्रोडक्ट। ओके आ जाओ, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस पे, डॉट प्रोडक्ट पे। ओके जी, देखो डॉट प्रोडक्ट किस पे बात करेंगे, पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और इसका एक और नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट। जो बच्चे क्लास ट्वेल्थ में हैं उनको मैथमेटिक्स में ये पढ़ना आता है ना, मैथमेटिक्स में थ्री डी एंड वेक्टर एक टॉपिक है उसमें पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट के एक और नाम से बोलते हैं किस पे, प्रोडक्ट से नाम से स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी आता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। चल अब हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। लो मैं क्या कर रहा हूँ, दो वेक्टर ले रहा हूँ। ओके एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर मान लो ये है, दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा है। ओके दोनों के बीच का एंगल थीटा है, दिस इज वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी। आप दोनों वेक्टर को मेरे को प्रोडक्ट करना है, मतलब ए डॉट बी करना है, यही तो होता था डॉट प्रोडक्ट। तो क्या होता है भाई, इसको डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो ये बेसिकली होता है क्या, इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू ऑफ कॉस थीटा। ए डॉट बी का मतलब क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू ऑफ कॉस थीटा। और यू कैन आल्सो राइट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डेट इज डेट इज वेक्टर डेट इज ओनली ए, बताए थे वेक्टर ए पे अगर एरो नहीं है तो मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी कॉस थीटा। मीन्स ए डॉट बी इज ऑल्सो रिटेन एज लाइक दिस। ओके मतलब ए डॉट बी को हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे देखो कोई वेक्टर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कि ये जो चीज़ आने वाला है वो क्या चीज़ आने वाला है, डेट इज़ ओनली अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होने वाला है। ओके समझ में आया।
अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया, कैसे लिख दिए, है ना, ये बोलोगे कि सर ये कैसे आ गया, कैसे लिख दिए आप। हाँ जी, आ जाओ देखो, इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका है। मान लो हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओके, ड्रॉ किए, वेक्टर बी का कंपोनेंट ले रहे हैं वेक्टर ए पे, वेक्टर बी का कंपोनेंट ले रहे हैं इस पर, तो अगर वेक्टर बी है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डैट इज बी, तो इसका ये थीटा है तो ये कंपोनेंट इसका इधर हो जाएगा कितना, इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा बी कॉस थीटा। एक बी कॉस थीटा और एक वेक्टर ए है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, ए इंटू व्हाट, बी कॉस थीटा। देखो यही चीज़ तो आया, वेक्टर ए इसका कंपोनेंट इसी पे लिए हम, दोनों को मल्टीप्लाई किए, ए इंटू बी कॉस थीटा डैट इज ए बी कॉस थीटा। समझ में आया, तो इसको कैसे आया वो समझ में आपको आ गया होगा, ए बी कॉस थीटा। चलो इसको बोलते थे डॉट प्रोडक्ट, इसका जो मैग्नीट्यूड ये जो आया ये इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। ओके, अब देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं उस पर चर्चा करता हूँ। ओके, डॉट प्रोडक्ट यहाँ से तो समझ में आया, देखो क्या हम लोग को यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर दैट इज कॉस थीटा इज रिटेन एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, और यू कैन से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये पूछ सकता है। देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं, अगर कॉस थीटा का वैल्यू जो आप तुम जानते हो, अगर उस फॉर्म में अगर एंगल आया, मान लो जैसे यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया, मीन्स थीटा इज 60 डिग्री, कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 आ गया, मीन्स थीटा इज 30 डिग्री, अगर जानते हो उस फॉर्म में आया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पूछ सकता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर पूछ सकता है। तो ये सारे चीज़ इरेज करके आप लोग लिखो यहाँ से एक पॉइंट, ये सारे चीज़ इरेज करके आप लोग लिखो एक स्टार मार्कर लाइन, यहाँ तक लिखने के बाद लिखो आप लोग एक लाइन, क्या लिखोगे, लिखो एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर कैन बी फाइंड आउट, एंगल बिटवीन द वेक्टर स्टार मारो लिखो, एंगल एंगल बिटवीन द वेक्टर कैन बी फाउंड आउट, कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग फार्मूला दैट इज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट, कॉस इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट इनवर्स बता दिया था लास्ट में कि जो यूज आता है, मैं उतना ही बताया था, कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, है ना, ये बताया था, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ओके जी, अब आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकेंड पॉइंट ये क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपको, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, ए बी कॉस थीटा, इसका मतलब ए डॉट बी आपको पूछ रहा है, दिया हुआ है क्या, ए और बी मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का दिया हुआ है और एंगल बिटवीन द वेक्टर दे दिया, क्या आप लोग निकाल सकते हो ए बी कॉस थीटा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है √3, ओके, एंड थीटा मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर दे रखा है लेट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, मान लेता हूँ 60 डिग्री, और पूछ रहा फाइंड फाइंड
ए डॉट बी तो निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा फार्मूला पुट करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ये पता है हमको, ए तो पता है मैग्नीट्यूड वेक्टर थ्री, वेक्टर बी पता है रूट थ्री। ओके, कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री पुट कर दो, थ्री रूट थ्री कॉस 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, यहाँ से हो जाएगा क्या, रूट थ्री मल्टीप्लाई होकर थ्री हो जाएगा, यानी 9/2 यूनिट। ओके, यूनिट इज व्हाट, यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, अगर जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसका यूनिट लिख देंगे, है ना। मान लो यहाँ पे मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर, तो मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा यूनिट होके, है ना। तो ये इस तरीका से, ओके, तो ये इस तरीका से हम लोग अगर ए और बी दिए रखा है तो ए डॉट बी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, अब देखो, अब यहाँ पे बोलोगे सर क्या ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है और ए बी कॉस थीटा निकालने के लिए बोल रहा है। हाँ, क्यों नहीं, अब आगे मैं इसे पढ़ाऊंगा कंपोनेंट फॉर्म में जब रहेगा तो, बट बिफोर डैट कुछ और चीज़ें मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया वेक्टर ए डॉट बी को क्या हम लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट ए, वेक्टर ए को भी क्या हम लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट ए, सिंपल चीज़ है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हाँ लिख सकते हैं। देखो कैसे, 2 into 3, अब यहाँ से ये मत समझना क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा है, 2 into 3 इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 3 into 2, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6 लिख सकते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, डैट इज़ वाई लिख सकते हैं। यानी एक स्टार मार्कर पॉइंट ये लिख लो, दिस कैन बी रिटेन, मतलब ये सही है, हम ये चीज़ लिख सकते हैं, बट जब वही हम लोग क्रॉस की बात करेंगे तो नहीं लिख सकते, मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये नहीं लिख सकते। अब ये क्यों नहीं लिख सकते, जब वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ओके। चलो, तो ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, आ जाओ नेक्स्ट जो चीज़ है उस पर आते हैं, नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, अरे इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो लिख सकते हो, है ना, मतलब डॉट प्रोडक्ट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, पढ़े होगा ना, क्लास 6-7 में रहता है पढ़ना है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए बाई कम्यूटेटिव, ये मतलब क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, है ना। चलो, एक चीज़ ये हो गया, नाउ नेक्स्ट चीज़ क्या लिखते हैं, समझो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। अगर तुमसे बोला जाए कि भैया बताओ ए डॉट बी का मैक्सिमम क्या होगा, ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ए डॉट बी का क्या स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका कोई वैल्यू होने वाला है, डायरेक्शन तो नहीं होने वाला है, तो बोला ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितना होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये तो फिक्स है, ए और बी फिक्स है, इसका मैग्नीट्यूड वेरी कौन कर सकता है, थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम बताए थे कि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, याद है, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता था, 1, एंड मिनिमम वैल्यू क्या होता था कॉस थीटा का, कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू होता था -1। ये कब होता था, एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड दिस इज एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो ये चीज़ याद रखना चाहिए बच्चों को। तो ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 पे तो 1 हो गया, डैट इज मल्टीप्लाई 1, डैट इज ए बी, यानी कि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, तो लिख सकते हैं ए बी, है ना, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, ए बी। मिनिमम वैल्यू पे बात किया जाए, ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा बताओ, डैट इज माइनस ए बी, कितना होगा बताओ, 180 का वैल्यू -1, तो कितना हो जाएगा, माइनस ए बी। ओके, चलो थर्ड पॉइंट, थर्ड तो हो गया, फोर्थ पॉइंट बताओ, जब टू वेक्टर ऑर्थोगोनल होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट इज द
वैल्यू ऑफ द डॉट प्रोडक्ट व्हेन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, क्वेश्चन ये है और दिस इज कॉन्सेप्ट मान लियो। ओके, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल मीन्स क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑर्थोगोनल मीन्स व्हाट, द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 90 डिग्री। यहाँ से लिख देता हूँ क्या, ऑर्थोगोनल मीन्स एंगल बिटवीन वेक्टर इज 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ, एंगल बिटवीन वेक्टर इज 90 डिग्री, है ना। अब अगर एंगल बिटवीन वेक्टर इज 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज व्हाट, ए बी कॉस ऑफ 90 डिग्री। अब ए बी कॉस ऑफ 90 डिग्री है तो ए बी कॉस 90 का वैल्यू 0। ठीक है, इसलिए 0, यानी कि ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा जब ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा जब दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होगा, है ना। ये एक और भी पॉइंट एक था। ओके जी, और क्या कर सकते हैं, और क्या इसमें पढ़ना है हम लोग को, बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़नी है। आ जाओ, देखो एक कॉन्सेप्ट ये है वो समझे पहले। अभी तक तो जो वेक्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे हम लोग जब एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे तो वहाँ पे दो तरीका का एडिशन पढ़े थे। एक तो तब जब वेक्टर दिया था उसका मैग्नीट्यूड दिया था और दोनों के बीच का एंगल दिया था। सिमिलरली हम लोग जहाँ पर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं ए डॉट बी, इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है और एंगल बिटवीन द वेक्टर दे रखा है। फिर हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर में दो तरीके का पढ़े थे। नेक्स्ट वाले क्या था, एडिशन ऑफ वेक्टर व्हेन इट इज़ गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट जब वेक्टर दिया हुआ है किस पे, कंपोनेंट फॉर्म में। तो लिखो डॉट प्रोडक्ट व्हेन वेक्टर इज गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट व्हेन वेक्टर इज गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, व्हेन वेक्टर्स आर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म। ओके, कंपोनेंट फॉर्म मीन्स देखो क्या होता है, कंपोनेंट फॉर्म तो पता है। मान लो वेक्टर ए है जो दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में, a1 i कैप, a2 j कैप एंड a3 k कैप, a1 i कैप, a2 j कैप एंड a3 k कैप। वेक्टर बी जो दिया हुआ है दैट इज b1 i कैप, b2 j कैप एंड b3 k कैप। नाउ क्या फाइंड करना हम लोग को, a डॉट b फाइंड करना है। तो करते हैं भाई, a डॉट b फाइंड करना है। क्या लिखा है, a वेक्टर क्या दिया हुआ है, a1 i कैप, a2 j कैप एंड a3 k कैप, ये दिया हुआ है ना। डॉट ऑफ व्हाट, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, है ना, ये दिया हुआ है। अब इसको डॉट करना है, ये k कैप नहीं है ना, i कैप, ठीक है, डॉट करना है। तो चलो करते हैं। देखो एक लंबा प्रोसीजर है ये, है ना। पहले मान लो इस पूरे वेक्टर को b1 से करते, ये भी तो एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, सब एक वेक्टर है। तो हम लोग सारे वेक्टर को करते हैं। मान लो पहले क्या करता हूँ, a1 i कैप प्लस a2 j कैप
प्लस ए थ्री के कैप। कुछ सिमिलर अगर कुछ सिंपल सा बच्चा को दिया जाए तो क्या लिखेगा, ए वन आई कैप ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप डॉट ऑफ बी आई कैप, ये करेगा प्लस क्या करेगा, प्लस क्या करेगा, क्योंकि प्लस उसके बाद आ गया, फिर से लिखेगा ए वन आई कैप ए टू जे कैप ए थ्री के कैप प्लस डॉट किसके साथ करेगा, बी टू जे कैप के साथ करेगा, फिर प्लस आ गया भाई, लिख दिए। अब उधर स्पेस नहीं है, मैं इधर लिखता हूँ, क्या लिखूँगा, ए वन आई कैप ए टू जे कैप ए थ्री के कैप किसके साथ, बी थ्री के कैप के साथ डॉट ऑफ बी थ्री के कैप। ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, हाँ सर लिख सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, अब बी वन देखो सबके साथ होगा, लिखेंगे ए वन आई कैप डॉट ऑफ बी वन आई कैप, यही तो है ए वन आई कैप, यहाँ पे बी वन आई कैप है ना, प्लस ए टू जे कैप डॉट बी वन आई कैप। अब देखो आई कैप और जे कैप में कन्फ्यूज मत होना, मेरा आई कैप इधर इस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है और जे कैप इस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ, तो ध्यान देना है ना, कन्फ्यूजन में मत होना। आई कैप ए बी ए टू जे कैप और बी वन आई कैप प्लस क्या है ए थ्री के कैप, ए थ्री के कैप डॉट ऑफ बी वन ए थ्री के कैप प्लस बी वन आई कैप है ना, लिख दिए। ये अभी सिर्फ इतना सारा पार्ट कवर किया है ये, ओके नेक्स्ट पार्ट इसका पे आते हैं, इस पे आते हैं, तो प्लस क्या लिखेंगे, ए वन आई कैप डॉट बी टू जे कैप लिख सकते हैं, सिमिलरली ए टू एंड बी टू क्या लिखना, ए टू आई कैप डॉट बी टू जे कैप लिख सकते हैं, सॉरी आई कैप और यहाँ पे लिख दिया था जे कैप, ए टू जे कैप और बी टू जे कैप। सिमिलरली इसका लिखेंगे लास्ट वाले ए थ्री, ए थ्री कौन सा के कैप डॉट बी टू जे कैप लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब ये वाले पार्ट पे आते हैं, ये वाले पार्ट पे आते हैं, प्लस वहाँ पे प्लस ठीक है, क्या लिखेंगे बताओ, ए वन आई कैप, हाँ सर ए वन, ए वन आई कैप प्लस बी टू डॉट डॉट बी टू के कैप, हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस ए टू जे कैप डॉट बी टू के कैप, बी टू नहीं यहाँ पे बी थ्री आएगा ना, बी थ्री था ठीक है, बी थ्री यहाँ पे भी बी थ्री होगा, बी थ्री के कैप ओके। प्लस क्या लिखेंगे बताओ, ए थ्री बी थ्री यानी ए थ्री के कैप डॉट बी थ्री के कैप। अब सारा देखो इतना सारा क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया है ना, क्या आ गया, इतना सारा डॉट प्रोडक्ट आ गया, अब क्या करेंगे बताओ। देखो हम लोग बेसिकली क्या पढ़े थे, कोई दो वेक्टर का डॉट पढ़े थे, होता था ए बी कॉस थीटा, एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड था बी का मैग्नीट्यूड और थीटा क्या था एंगल बिटवीन द वेक्टर था, एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना है भाई, देखो सबका देखना है हम लोग को एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या है, अभी अभी ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात की है, दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री रहेगा तो ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा और उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से पहला वेक्टर पे देखो, ये इस पे दोनों पे गौर करें, ए वन बी वन है ओके, ये दोनों का मैग्नीट्यूड है, आई कैप और आई कैप मतलब एक एक्सिस और दूसरा वेक्टर की भी डायरेक्शन एक एक्सिस, मतलब दोनों के वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, दोनों का अगर एक डायरेक्शन है मीन्स दोनों के वेक्टर के बीच में एंगल जीरो और कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है वन, इसका मतलब ए वन बी वन, इसका मतलब फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ए वन बी वन, हाँ जी लिख दिए, चलो ए वन बी वन कॉस जीरो का वैल्यू वन। अब यहाँ से आ जाओ ए टू बी वन, ए टू बी वन तो लिख दिए मैग्नीट्यूड है, जे कैप है और एक आई कैप है, एक जे कैप मीन्स व्हाट समझो, देखो जे कैप मीन्स व्हाट, जे कैप मीन्स ये जे कैप हो गया और ये आई कैप हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री और 90 डिग्री तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटिटी तो जीरो हो गया भैया,
सिमिलरली देखो ये के कैप है और ये आई कैप है, और के कैप और अगर आई कैप की बात करें तो देखो तीनों वेक्टर को मैं ऐसा मान लिया हूँ, तो ये तो आई कैप हो गया और ये के कैप हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया जीरो। अब देखो ये इस पर आते हैं, ये आई कैप और जे कैप, अभी आई कैप और जे कैप में बात किए, जे कैप और आई कैप दोनों के बीच में एंगल जीरो, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 इज जीरो। सिमिलरली यहाँ पे देखो ए टू बी टू जे कैप, जे कैप मतलब जे कैप एक वेक्टर का जे कैप हो गया, मान लो हरा वाला बता रहा है जे कैप, दूसरे का भी बता रहा है जे कैप, दोनों के बीच में एंगल कितना जीरो, तो कॉस जीरो का वैल्यू 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू लिख सकते हैं क्या, प्लस ए टू बी टू लिख सकते हैं ना, प्लस ए टू बी टू है ना। अब नेक्स्ट आ जाओ ए थ्री बी टू जे कैप, अब एक बोल रहा है के कैप जे कैप, के कैप के कैप एंड जे कैप दोनों के बीच में एंगल 90, कॉस 90 जीरो, इसका मतलब इसका भी वैल्यू क्या हो गया जीरो। सिमिलरली आई कैप के कैप मतलब इसका भी वैल्यू जीरो, इसका भी वैल्यू जीरो। अब आ गया के कैप के कैप, इसका वैल्यू 1, इसका मतलब लिख सकते हैं ए वन बी वन ए टू बी टू एंड ए थ्री बी थ्री, मतलब ये हो गया कि ए डॉट बी जो होगा ए वन बी वन ए टू बी टू एंड ए थ्री बी थ्री, समझ आया। मतलब अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहेगा तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, समझ में आया, बाकी सारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, समझ में आया। अब इसको याद कैसे रखेंगे सर, तो सिंपल से बात क्या करना है कि आई कैप जे कैप और के कैप मतलब कंपोनेंट में रहेगा तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 आ सकता है, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 आ सकता है, और के को के के साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 आ सकता है। जैसे हम लोग एडिशन में करते थे, आई को आई के साथ ऐड कर सकते थे, जे को जे के साथ ऐड करते थे और के को के साथ ऐड करते थे। सिमिलरली यहाँ पे याद रखना है कि आई को आई के साथ प्रोडक्ट करेंगे तब 1 आएगा, जे को जे के साथ प्रोडक्ट करेंगे तब 1 आएगा, और के को के साथ प्रोडक्ट करेंगे तब 1 आएगा। अदरवाइज आई को जे के साथ करें या आई को के साथ करें या जे को आई के साथ करें या जे को के साथ करें, इस सारे कंडीशन में उसका वैल्यू जीरो आएंगे, क्योंकि एंगल बिटवीन द वेक्टर 90 डिग्री हो जाएगा एंड यू नो कॉस 90 इज जीरो, दैट इज वाई द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विल बी जीरो। तो ए डॉट बी लिख दिए, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, मतलब ये सारे चीज़ों की इरेज कर मैं डायरेक्ट एक चीज़ लिख सकता हूँ जो काम का चीज़ है। ये चीज़ें मैं बताना चाहता था कि देखो बेसिकली ये फार्मूला आया कैसे, ठीक है, मतलब लास्टली यू कैन राइट द इम्पॉर्टेंट फार्मूला डैट विल बी यूजफुल फॉर यू ओनली, ओके। और ये सारे चीज़ें कोई इतना यूजफुल है नहीं, बट यू मतलब क्या है ना कि तुमको जानना चाहिए कि बेसिकली ये आया कैसे। अगर हर एक चीज़ का रीज़न आप जानोगे कि कोई चीज़ आया कहाँ से है, किस तरीके से आया, तो आपको लगेगा नहीं हम जो पढ़ लिख रहे हैं वो सही पढ़ लिख रहे हैं, तब लगेगा कि नहीं हाँ जी ये तो आ रहा है भाई, इसका रीज़न तो पता है। अब डायरेक्ट अगर आपको बता दिया जाएगा कि नहीं ये मान लेना है, तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही इतना सारा फार्मूला है, इतना थ्योरम है जो याद रखना है। अब अगर इसको भी याद करने लगोगे तो फिर बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो फिजिक्स में बहुत कम चीज़ कोशिश करो याद करने, क्योंकि बहुत ऐसे भी बहुत सारा फार्मूला आ जाता है ना। चलो देखो भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए डॉट बी को हम लोग अगर कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग ये लिख सकते हैं ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री, ये लिख सकते हैं। और ये ए डॉट बी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ये देखो फर्स्ट है और ये सेकेंड है, दोनों बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, लिख सकते हैं क्या? हाँ जी लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, क्या ये लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ से भी कॉस थीटा मतलब थीटा का एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। और फाइनली अगर देखो तो कुछ देर पहले ही तो ये चीज़ लिखवाए थे ए डॉट बी,
अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। यही चीज़ तो लिखवाए थे, ए डॉट बी का तो वैल्यू यही है, ये कुछ देर पहले लिखाए थे ना, थीटा इजिकल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये लिखवाए थे। तो ये चीज़ें आपको याद कर लेना चाहिए, है ना, एंगल बिटवीन द वेक्टर के लिए। चलो, तो डॉट प्रोडक्ट से बता दिया कि ये होता है ना, आ जाओ मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू बता दिया था, कमोटेटिव लॉ फॉलो करता वो बता दिया, सारा कुछ बता दिया, ठीक है, ओके। आ जाओ अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ और पूछता हूँ उसको, ठीक है, मतलब एग्जांपल टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जांपल टाइप क्वेश्चन। किस टाइप क्वेश्चन? एग्जांपल टाइप क्वेश्चन। लेट वेक्टर ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। एक वेक्टर ए है ये, एक वेक्टर बी है, दिस इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ओके, फाइंड ए डॉट बी, सिर्फ ये पूछा आपसे। अब शुरू में ही ये बात बोला था कि इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है। देखो करते हैं, तो क्या बताए थे ए डॉट बी के लिए, ए डॉट बी के लिए क्या बताए थे, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। ए वन बी वन क्या है, ए वन बी वन, टू इंटू टू इज़ फोर, ए टू बी टू प्लस माइनस माइनस एंड थ्री थ्री या नाइन, ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री इज़ प्लस फोर, एट माइनस नाइन दैट इज़ माइनस वन। देखो माइनस वन आया, एक वैल्यू आया सिर्फ, इसका कोई डायरेक्शन नहीं आया, तो ए डॉट बी हम लोग निकाल लिए, है ना, बोलो निकाल लिए। इसी तरीका से हमको कोई एंगल बिटवीन द वेक्टर पूछ देगा, मान लो इसी के पूछ देगा कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर, तो क्या करेंगे भाई, अगर यहीं से पूछ देगा व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर तो क्या करेंगे, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर के लिए देखो ए डॉट बी निकाल लिए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो क्या लिख देंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या लिखते थे बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिखते थे अंडर रूट ओवर ए का आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ये कहन से एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर हो ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दिस इज 4 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज 17। सिमिलरली वेक्टर बी तो क्या लिख देंगे, इसका भी आ जाएगा अंडर रूट 17, कैलकुलेट कर लेना, है ना। अब देखो एंगल बिटवीन द वेक्टर चाहिए तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या बोले थे भाई, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी डॉट नहीं मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी कितना मालूम हो गया मेरे को, माइनस वन, और ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 20, बी का मैग्नीट्यूड भी अंडर रूट 20, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा डैट इज 17। यानी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई 17। समझ आया, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं, और भी डॉट प्रोडक्ट में और भी मैं बताऊंगा, एक किसी वेक्टर का एक कंपोनेंट दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट क्या होगा, इस पर और भी चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है वीडियो कुछ अच्छा खासा लंबा हो गया है। वीडियो इज़ कंटेनिंग ऑलमोस्ट 39 मिनट्स एंड इट इज़ गोइंग टू बी ए 40 मिनट्स वीडियो, सो आई थिंक आई हैव टू स्टॉप दिस वीडियो। ओके, आई विल टीच मेनी मोर थिंग्स अबाउट डॉट प्रोडक्ट एंड मेनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, सो कीप स्टडिंग फ्रॉम माई लेक्चर एंड कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस। टाटा एंड बाय बाय।